लास्ट मोमेंट पे हमें बोला गया कि ये गलत मेट्रो है, अगली मेट्रो होगी। तो फाइनली सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पहुंच गया, फोन भी ऑफ हो रहा है, कैश भी नहीं हमारे पास। भाई साहब जिस रास्ते से वो ला रहा था हमारा फोन ऑफ, हम ना मैप देख पा रहे हैं। एवरीवन वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ये लोग मेरे से पहले तैयार हो गए हैं। लास्ट टाइम हम जिस मॉल में गए थे वो मॉल तो बंद होने वाला था, तो यहाँ पे एक और मॉल है पैसिफिक मॉल। आज हमारा प्लान है वहाँ जाने का। आज सब फ्री है तो सोचा एक बार मॉल ही घुमाते हैं, क्योंकि दिल्ली में इतनी गर्मी है अभी कि आप मॉल के अलावा कहीं घूम ही नहीं सकते और फिर रात में ब्लॉग नहीं हो पाता। तो आई टेक माई वर्ड्स बैक, ये लोग कोई तैयार नहीं हुआ है, मैं ही सबसे पहले तैयार हूँ। लेट मी गिव यू अ प्रूफ। देखिए देखिए अभी तक भाई हम सबसे पहले हम ही तैयार हैं। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। कैमरा पे तो झूठ मत बोल भाई, देखो अभी तक बांध ही रहा है। मेट्रो ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेती और हम कैश लेना भूल गए, तो हम जा रहे हैं पहले कहीं से कैश वगैरह अरेंज। भाई ऑफिस जाना है, बस दो मिनट भाई, बस कैश अरेंज करेंगे और फिर एटीएम ढूंढा, कहीं एटीएम ही नहीं मिला। अब किसी दुकानदार को ऑनलाइन करके अब कैश लेना पड़ेगा, तो चलो यार जल्दी लेना है, फिर जाना भी है। क्या विनोद चाबी भूल जाते हो? चाबी नहीं, क्या भूल गया था? मेट्रो का आज कैश का अरेंजमेंट हो गया है, अब यहाँ से रैपिडो लेंगे मेट्रो स्टेशन तक। अरे बहुत लंबा यार, दो घंटे की जर्नी है मॉल की, बताओ यार। बोल रहे थे कार खरीद लो। हाँ बोलते हैं कार खरीद लो। मैं गरीब हूँ। इसकी कंपनी की कैब आ गई। मेट्रो स्टेशन पर आ गए हैं, पर मेट्रो हमारी अभी तक नहीं आई। मुश्किल से दो तीन मिनट का वेट है, तो इंतजार करते हैं मेट्रो के आने का। फाइनली मेट्रो बोर्ड हो गया है और गर्मी से राहत मिल रही है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। तो बेसिकली एक मेट्रो चेंज करनी पड़ती है। अभी हम यूपी मेट्रो से आए, अब हम जा रहे हैं दिल्ली मेट्रो में। तो अब यहाँ दिल्ली मेट्रो में उतारेगी सुभाष नगर, वहाँ से हमारा मॉल बिल्कुल ही नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो बस अब हम जा रहे हैं दिल्ली मेट्रो बोर्ड करने। तो फाइनली सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पहुँच गया, इसी मेट्रो से अभी हम आए थे। और अब देखता हूँ यहाँ से पैसिफिक मॉल कितनी दूर है। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर दूर है और दो घंटे खड़े के आया हूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, दम नहीं है चलने की। तो यहाँ से अपना ई रिक्शा से चलेंगे, फिर अब मॉल जाके बाकी आपको दिखाते हैं। फिर फाइनली रिज्ड पहुँच चुके हैं और आपको एक अच्छे से सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ यहाँ का। खतरनाक मॉल है भाई, आते ही गरीब फील होने लगा है मुझे। तो राइट नाउ आई एम इन डिकैथलॉन और ये मेरा फर्स्ट विजिट है डिकैथलॉन में। तो और मुझे तो बहुत ही थ्रिल दे रही है ये शॉप यार, मतलब आप कैंपेनिंग टेंट्स वगैरह देखो, लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ टीटी खेल रहे हैं, काफ़ी मस्त माहौल है। तो फिर और आगे एक्सप्लोर करते हैं डिकैथलॉन को। ये कैंपेनिंग टेंट्स, ये आपके पोर्टेबल चेयर्स, आगे से देख लो ये आपके सारे पोर्टेबल चेयर्स, ये आपके मतलब बैग्स वगैरह, ट्रैकिंग बैग्स वगैरह। ये छोटा सा बैग मैं ढूंढ रहा था अपने भाई के लिए, वो आजकल स्कूल जाना स्टार्ट किया उसने, तो उसे दूंगा ये बैग। बस ये मिल गया, यही ढूंढ रहा था इतनी देर से। काफ़ी छोटा बैग है भाई, आ भी नहीं रहा मेरे कंधों पर। डिकैथलॉन से बाहर आ चुका हूँ, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्रोमा। सोच रहा हूँ एक पावर बैंक ले लूँ यार, हमेशा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है। हर एक दूसरे ब्लॉग में देखोगे मेरा ब्लॉग इनकम्प्लीट रह जाता है क्योंकि डिस्चार्ज हो जाता है। इससे अच्छा मेरे पास है यार, यही सारे ऑप्शंस हैं। जो मैं एप्पल का मैगसेफ खोज रहा हूँ वो इनके पास है ही नहीं। एक्चुअली मैं ना एप्पल का वो मैगसेफ चार्जर होता है ना, जो वायरलेस होता है, जो चिपक जाता है, वो ढूंढ रहा था, इनके पास ये पैसिफिक मॉल के क्रोमा में है ही नहीं यार। कोई नहीं, खोज जारी रहेगी हमारी। होप सो अगली बार दिल्ली आऊँ तो इस मॉल में कुछ लूँ। इस बार हमारे पास टाइम भी कम था और फिर काफ़ी मॉल एक्सप्लोर भी नहीं कर पाया, बस एक पावर बैंक लेना था, एक डेकैथलॉन गया, दो ही जगह जा पाया। बाकी तो फिर अब नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि ना अभी हमारी मेट्रो भी मतलब लास्ट आवर में है, बस अब एक ही घंटे बचे वरना मेट्रोज भी बंद हो जाएंगी, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ठीक है, पैसिफिक मॉल का यहीं तक था,
अब आगे क्या करता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ, स्टे ट्यून्ड इन माय ब्लॉग। एक्चुअली अभी कुछ ऐसा सीन हुआ कि मैंने और मेरे जो दोस्त जो मेरे साथ आया है उसने गलत मेट्रो ले ली। फिर क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे हमें बोला गया कि ये गलत मेट्रो है, अगली मेट्रो होगी। तो मैं मेट्रो से नीचे उतर गया, वो मेट्रो में ही रह गया। अब वो चले गया अगले स्टॉप, मैं उतर गया उस स्टॉप पे। और अब मुझे अगली मेट्रो लेके उसके पास जानी है, फिर हम वहाँ से ऑटो या कुछ कैब करेंगे तब अपने फ्लैट जाएंगे। तो बहुत ही गंदा सीन हो रखा है, चलिए आपको अपडेट देते रहेंगे बीच बीच में। और ये मेट्रो स्टेशन इतना सुनसान है, लिटरली मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और अभी जो मेट्रो आएगी वो लास्ट मेट्रो है, अगर वो छूटी तो फिर वो कहीं और, मैं कहीं और, हमारा फ्लैट कहीं और, हम घर ही नहीं पहुँच पाएंगे। पता नहीं यार, थैंक गॉड अब क्या होगा देखते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम गलत मेट्रो लेकर गाजियाबाद आ गए हैं, और अब क्या है कि हमने ऑटो किया है वापस ग्रेटर नोएडा जाने के लिए। तो अब बाकी का वीडियो वहीं जाके कंटिन्यू करूँगा, फ़ोन अब ऑफ ही होने वाला है, पर सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूँ। तो अब बाकी का वीडियो जाके फ्लैट पर कंटिन्यू करते हैं फ़ोन चार्ज में लगा कर। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम गलत मेट्रो लेकर आ गए थे अब गाजियाबाद। तो हमने यहाँ से एक ऑटो किया है हमारे फ्लैट तक का, फ़ोन भी ऑफ हो रहा है, कैश भी नहीं हमारे पास, तो बहुत ही हैक्टिक होने वाला है ये। पर कोई नहीं, हमारे पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं था। गाइस राइट नाउ हम अब फ्लैट पहुंच चुके हैं, अब तक बैग भी नहीं खोला है, आया तुरंत फ़ोन चार्ज में लगाया, सोचा ब्लॉग कंप्लीट करता हूँ। भाई साहब जिस रास्ते से वो ला रहा था हमारा फ़ोन ऑफ, हम ना मैप देख पा रहे हैं, पूछो मत क्या ही बुरी हालत थी। अभी फ्लैट पहुँच गए अपने, तो थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। तो रात में यही एक शॉप होती है जो खुली होती है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ खाया भी नहीं, अब जाके सो जाऊंगा, अभी नींद आ रही है तो सो भी जाऊंगा, बाद में पेट दर्द करने लगेगा। मिलते हैं आपसे एक अलग नए ब्लॉग में। बाय बाय।